की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एसएफ एस्पिरेंट पिछले 88 दिन से जो प्रदर्शन कर रहे थे, हमारे साथ वादा खिलाफी हुई है और हमने पहले भी प्रोटेस्ट किए कि हमारे मसले का जो है कोई ना कोई जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमें हर बार कोई ना कोई आश्वासन देकर टाला गया है और हमारे मसले को एक साल तक खींचा गया है। हम चाहते हैं, हमने पिछले कुछ दिनों पहले भी कहा कि अगर हमारे कोई मसले का हल नहीं किया, हमें कोई फीडबैक नहीं मिला, तो हम आगे 1 तारीख को प्रदर्शन करेंगे। तो अभी 28 तारीख है, तो हमें 2-3 दिन बाकी हैं। अगर कोई हमें फीडबैक नहीं मिलता गवर्नमेंट की तरफ से, इन लीडरान की तरफ से, तो 1 तारीख को हम बढ़ चढ़ कर प्रोटेस्ट करेंगे। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जम्मू की, अभी जैसे DSF ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे साथ आए हैं, हमारे भाई जे, और बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जे, सारी 1 तारीख को हमारे साथ आएंगी। और वासुदेव सिंह है, मैं प्रेसिडेंट डुगर स्टूडेंट फेडरेशन DSF। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मकसद है कि जम्मू के जितने भी इशूज़ हैं, जितने भी डोगरा रिलेटेड इशूज़ हैं और खासकर जो युवाओं के इशू हैं, उस पर हम बढ़ चढ़ कर आगे आते हैं। और उसी तरह ये जो हमारा इस वक्त BSF और CISF एस्पायरेंट्स के जवानों का इशू है, ये कोई नया इशू नहीं है, काफ़ी पुराना है। पहले भी 88 दिन ये लोग BJP के दफ्तर के बाहर बैठे, इन्होंने शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन किया, पर आज आके नतीजा वही निकला कि इनको धोखा दिया गया। कोई भी स्पीच आप BJP के लीडर की सुन लो तो वो बोलते हैं कि हमने 2000 एस्पायरेंट्स को जॉब दी, पर असलियत और ग्राउंड लेवल की बात यह है कि टोटल 1300 बच्चों को भी इन्होंने जॉब नहीं दी है। इसलिए ये झूठ की राजनीति हम जम्मू में चलने नहीं देंगे। और ये जो लोग हमारे BSF और CIS के एस्पायरेंट्स हैं, इन्होंने फैसला लिया है कि 1 तारीख से पहले अगर इनको कोई आश्वासन नहीं आता है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी लीडर की तरफ से, खासकर रूलिंग पार्टी की तरफ से, अगर इनको कोई इशारा नहीं मिलता है, तो 1 तारीख को हमारा जो प्रदर्शन है वो विक्रम चौक पे होगा। और हम सब, खासकर DSF के मैं जवानों की बात करता हूँ, हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी में हमारे यूनिट है, हर एक एरिया में हमारे यूनिट है, 1 तारीख को बढ़ चढ़ कर हम लोग इनके सपोर्ट करेंगे और हम ये फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। और हम ये मेक श्योर करके जाएंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा साथ दे, और अगर नहीं देगी तो झूठ की राजनीति हम चलने नहीं देंगे। जय हिंद।